अगर आपकी गाड़ी में भी फास्टैग लगा है और आप हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, वरना आप भी टोल प्लाजा पर हो रही इस गड़बड़ी का शिकार हो सकते हैं। दरअसल गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर टोल वसूली के नाम पर गड़बड़ी हो रही है। वाहन पर लगे फास्टैग में पैसे होने पर भी उसे ब्लैकलिस्ट में डाला जा रहा है। इसके बाद वाहन चालकों से दुगना टोल वसूला जा रहा है। आरोप है कि विरोध करने पर टोल कर्मचारी बदतमीजी भी करते हैं। गाजियाबाद से सटा छिजारसी पर टोल प्लाजा है। यहाँ से हापुड़, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, नैनीताल और लखनऊ की तरफ रोजाना हजारों की संख्या में वाहन निकलते हैं। गाजियाबाद के वाहन भी रोज हापुड़ की तरफ जाते हैं। टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल काटने की व्यवस्था है, लेकिन फास्टैग के नाम पर खेल चल रहा है। दरअसल फास्टैग में पैसे होने पर भी उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जा रहा है। ऐसा होने पर टोल कर्मी वाहन चालकों से दुगना टोल वसूलने की मांग करते हैं। आरोप है कि जब चालक फास्टैग में पैसे होने की बात बोलते हैं तो टोल कर्मी उनकी मदद नहीं करते। विरोध जताने पर टोल कर्मी भी गलत बर्ताव करने लगते हैं। वाहन चालक NHAI के हेल्पलाइन नंबर पर इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। गाजियाबाद के शास्त्री नगर निवासी संदीप चौधरी ने बताया कि वो गुरुवार को कार से बुलंदशहर गए थे। छिजारसी टोल प्लाजा पर फास्टैग से 165 रुपए का टोल काटा गया। उसी दिन जब वो रात में शास्त्री नगर लौट रहे थे, टोल प्लाजा पहुंचने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट में बता दिया गया, जबकि फास्टैग में 903 रुपए थे। टोल कर्मचारी ने दुगना टोल वसूला। फास्टैग में पैसे होने की बात कहने पर उनकी मदद नहीं की गई। उनका आरोप है कि दुगना टोल देने से इनकार करने पर टोल कर्मचारी बदतमीजी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1033 पर शिकायत दर्ज करवाई। अवंतिका निवासी अशोक शर्मा ने भी एक शिकायत दर्ज की है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वो हापुड़ गए थे। छिजारसी टोल पहुंचने पर गाड़ी पर लगे फास्टैग को ब्लैकलिस्ट में बता दिया गया, जबकि फास्टैग में पैसे थे। टोल कर्मचारी ने दोगुना टोल की मांग की, उसे फास्टैग में पैसे दिखाए तो वो बहस करने लगा। कुछ देर बाद फास्टैग से पैसा काट लिया गया। वापसी में भी ऐसी ही एक समस्या आई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।